हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके डी ब्लॉक के लिए आज के सेशन में आप डिस्कशन करेंगे बेटा। इसमें देखिएगा ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल सेकेंड, पी ब्लॉक तक आपने डिस्कशन कर लिया था। आज के सेशन में अपन बात करते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन टू एन माइनस वन डी सबशेल और ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप कह सकते हैं बेटा यहाँ पर कि एन माइनस वन डी सबशेल में जो भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा जिस किसी भी एलिमेंट का, उसको आप क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स, यहां पे देखिएगा 3 to 12, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। देखिएगा 3 to 12, 10 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिसमें ईच ग्रुप जो है आपके वो 4 एलिमेंट लिए हुए होगा। और जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं तो उसमें 10 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं बेटा यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, डी ब्लॉक में 3 to 12 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रुप में टॉप टू बॉटम 4 एलिमेंट यहां पर मिलेंगे। ठीक है बेटा, देखिएगा इसमें आपके स्कैंडियम, यटीरियम, लैंथेनम, एक्टिनम, ये होते हैं आपके थर्ड ग्रुप के मेंबर। और 12 ग्रुप के मेंबर हो जाते हैं जिंक, कैडमियम, एचजी और कॉपरेंशियम सीएन, यहां पर होता है सीएन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि 10 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ईच ग्रुप हैव 4 एलिमेंट्स। एक्सेप्शनली थर्ड ग्रुप में देखिएगा टोटल एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं 32 एलिमेंट। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड में 14 एलिमेंट और एक्टिनॉइड जो बनेंगे यहां पर 40 एलिमेंट, 28 और 4, 32 एलिमेंट। इसीलिए थर्ड बी ग्रुप को लार्जेस्ट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल मेंशन किया जाता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आप लिख सकते हैं बेटा देयर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन माइनस वन डी 1 to 10 एंड एस 1 to 2, दे आर ऑल मेटल्स। और डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं। दे मोस्टली फॉर कलर्ड आयंस, और ये कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं। दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट को OS से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेरी करता रहता है, वेरिएबल होता है। दे शो पैरामैग्नेटिक नेचर, और इनके जो मेटल्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। दे आर यूज एज कैटलिस्ट, इनसे आप इनका यूज जो है वो कैटलिस्ट के फॉर्म में भी किया जाता है। देखिएगा ये आपके एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं 21 to 11, 12, इसमें देखिएगा 40 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, जिसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। एक्सेप्शनली 13, 48, 80 और 112, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात आगे जस्ट करेंगे कि क्यों इनको ट्रांजिशन कह रहे हैं और क्यों इनको नॉन ट्रांजिशन कहा जा रहा है। हाउएवर जिंक, कैडमियम, मर्करी विच हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एन माइनस वन डी 10 एनएस 2 डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है बेटा कंप्लीट होता है। ये देखिएगा अभी अपन ने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जिंक, कैडमियम और मर्करी को आप क्या बोल सकते हैं बेटा, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। ये ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है और वो होता है एन माइनस वन डी 10 एन एस 2 होता है। आप कह सकते हैं बेटा 4s2 3d 10। क्लियर, दियर प्रॉपर्टी आर बिटवीन केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक एंड लेस एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ 13, 14। ये देखिएगा एस ब्लॉक से ज्यादा एक्टिव होती है केमिकली फॉर्म में देखा जाए तो, बट
13 और 14 जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं उनसे लेस एक्टिव होते हैं। देखिएगा यहां पर दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। फिर आता है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं इनको। देखिएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में दो सीरीज बनती हैं आपके, एक 4F सीरीज होती है और एक 5F सीरीज होती है। 4F सीरीज सीरियम से ल्यूटेशियम तक और 5F सीरीज थोरियम से लॉरेंसियम तक होती है, ठीक है। इसके लिए आप बोल सकते हैं बेटा द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन्स एंटर N-2F सबशेल और ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिएगा बेटा एफ ब्लॉक में आप सीरियम से 4F सीरीज की बात कर रहे हैं और थोरियम से 5F सीरीज की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा यहां पर सीरियम से ल्यूटेशियम तक, सीरियम से ल्यूटेशियम आपके हो जाता है 4F सीरीज के 14 एलिमेंट्स और 5F सीरीज में थोरियम से लॉरेंसियम तक 14 एलिमेंट। तो 14 एलिमेंट इन दोनों सीरीज में यहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं। इनमें देखिएगा द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन्स एंटर N-2F सबशेल और ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप कह सकते हैं कि F में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट कह देंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर बात कर सकते हैं द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2F1-14 N-10 ये D0-1 और NS2 होता है। ये F का आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिएगा येलो शेडेड एलिमेंट्स आर मैन मेड एलिमेंट्स। देखिएगा यहां पर PM NP से लेके यहां तक लॉरेंसियम तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड एलिमेंट होते हैं और इसमें कहा जाता है बेटा यूरेनियम से आगे वाले सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या हैं, आपके पैरा यूरेनिक एलिमेंट होते हैं। यहां देखिएगा कहा जा रहा है इट कंसिस्ट ऑफ टू रो ऑफ एलिमेंट्स लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। आप इस रो को क्या कह सकते हैं, लैंथेनॉइड, और ये जो रो है 4F के बाद 5F सीरीज और ये 4F सीरीज, 4F सीरीज होता है लैंथेनॉइड्स और 5F सीरीज होता है एक्टिनॉइड्स। देखिएगा लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड जो है आपके 58-71 मेंशन्ड है। देखिएगा जरा आप 58 सीरियम और 71 ल्यूटेशियम। फिर एक्टिनॉइड जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर 90-103 तक मेंशन्ड है, थोरियम टू लॉरेंसियम। क्लियर बेटा। फिर देखिएगा दीज आर मेटल, ये सभी क्या हैं, मेटल्स होते हैं। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और इसमें देखिएगा जो आपके लेंथेनॉइड हैं, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स की जब भी बात करते हैं तो इनको LN लेंथेनॉन भी कह दिया जाता है, लेंथेनॉन बोला जाता बेटा और इसका सिंबल होता है LN। लेंथेनॉइड जो होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं बेटा, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट PM। एक्सेप्शन कौन होता है बेटा, PM। PM क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, बाकी लेंथेनॉइड जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं यहां पर। क्लियर। फिर देखिएगा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स +3 The element after uranium are called transuranic element. ये होते हैं आपके transuranic element. ठीक है बेटा। आप बोल सकते हैं transuranic element. देखिएगा ये सभी क्या है, transuranic element. जो yellow shaded आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, देखिए बेटा स्लाइड में PM, NP to LR. ये सभी क्या है, transuranic element होते हैं। नेक्स्ट MCQs देख लीजिएगा बेटा कुछ। The general outer electronic configuration of D block elements.
डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस वन टू टू। ये देखिएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिएगा द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक्स, एफ ब्लॉक इज, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, वो हो जाता है फर्स्ट एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन एन माइनस वन डी जीरो टू वन एन एस टू। ये देखिएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके, ये क्लियर बेटा। देखिएगा जो भी ये मेन पॉइंट हैं उनके लिए एमसीक्यूज मैं आपके सामने यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इनको बहुत ही अच्छे से आपको देखना है और समझना है। देखिएगा अब आप बात करेंगे बेटा पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड। देखिएगा द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। देखिएगा कंप्लीट जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करते हैं एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन की, तो आप कह सकते हैं वहां पर कि कंप्लीट एलिमेंट्स को तीन फिजिकल प्रॉपर्टी में डिवाइड किया है, एक होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, क्लियर। कि ऑल एलिमेंट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और ये डिवाइडेशन जो हुआ है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हुआ है। ये देखिएगा कंप्लीट आपके पीरियोडिक टेबल सामने है, ठीक है। इसमें देखिएगा 118 एलिमेंट कंप्लीट मेंशन्ड होते हैं बेटा। इसमें एल्केली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप हो गया, सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर ट्रांजिशन मेटल्स जो 3 to 12 ग्रुप है बेटा, 10 ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाता है आपके पोस्ट ट्रांजिशन मेटल जो एल्यूमिनियम टू टेनेशाइन तक होते हैं, ये देखिएगा आपके यहां पर, क्लियर बेटा। इसके बाद आ जाते हैं बेटा मेटलॉइड्स, मेटलॉइड मेटलॉइड कौन से हैं, ये देखिएगा कलर लाइट पर्पल कलर जो आपको दिख रहा है ये सभी क्या है, मेटलॉइड्स। ये देखिएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये क्या है आपके जो मेटलॉइड्स हैं उनको इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं बेटा ये नॉन मेटल्स हैं, ये वाले इस वाले कलर के, ये सभी क्या हैं नॉन मेटल्स एंड हेलोजन्स, डार्क येलो कलर के हेलोजन्स हैं। फिर नेक्स्ट आपके इनर्ट गैसेस, फिर नेक्स्ट आते हैं आपके लेंथेनॉइड्स, ये देखिएगा लेंथेनॉइड 4F सीरीज लेंथेनॉइड हो गया, अगेन एक्टिनॉइड्स जो येलो शेडेड है, ये कंप्लीटली क्या है बेटा एक्टिनॉइड्स सीरीज है, क्लियर बेटा। तो इस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर यहाँ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइडेशन हुआ है उसमें आपके कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को मेंशन किया गया है और ये आपके सामने स्लाइड पर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। देखिएगा बेटा यहाँ पर ये देखिएगा, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको, पीरियोडिक टेबल है, क्लियर। इसमें देखिएगा जैसे जैसे यहां पर ये पॉइंट्स आ रहे हैं ये वाले वो इंडिविजुअल ग्रुप्स को इंडिकेट कर रहे हैं, क्लियर। तो इसमें एल्केली मेटल फर्स्ट ए, फर्स्ट ए ग्रुप मेंबर्स आ गए हैं, सेकंड है आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, थर्ड है ट्रांजिशन मेटल जिसे आपने डी ब्लॉक कहा है, 3 to 12 एलिमेंट्स हैं यहां पर, फिर पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एल्यूमिनियम, ये सारे ये सभी क्या हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं। फिर आ जाते हैं मेटलॉइड्स, ये देखिएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, लेड, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सभी क्या हैं मेटलॉइड्स हैं। अगेन नॉन मेटल्स, ये देखिएगा आपके नॉन मेटल्स आ जाते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलेनियम
ओके, ये आते हैं आपके, और एक हाइड्रोजन, ये हैं नॉन मेटल। फिर आ जाते हैं डार्क येलो शेडेड आपके हैलोजन्स। फिर आते हैं इनर्ट गैसेस, ये देखिएगा इनर्ट गैसेस, क्लियर बेटा। एंड लेंथेनॉइड्स, ये देखिएगा लेंथेनॉइड, आप कह सकते हैं यहां पर लेंथेनॉइड। एंड एक्टिनॉइड्स, येलो शेडेड लाइन जो थोरियम टू लॉरेंसियम तक होता है, क्लियर बेटा। देखिएगा लास्ट सेशन में भी अपन ने कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के ट्रिक्स को आप अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्री फॉर्म को आप लर्न कर सकते हैं, अच्छे से याद रख सकते हैं। तो सेंटेंस वाइज मैंने ईच ग्रुप का सेंटेंस आपके सामने रखा है, तो आप उसको इससे लास्ट जो सेशन था उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है बेटा। ओके, तो ये होता है आपके एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। फिर देखिएगा कुछ पॉइंट्स अलग अलग हैं आपके, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को थोड़ा अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल क्या होती है, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज को यहां पर आप डिस्कस कर, देखिएगा लास्ट स्लाइड में आपने देखा था बेटा कि जो भी मेटल्स होंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। अब इनको वन बाय वन करके आप डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखिएगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं बेटा मेटल्स को। देखिएगा मेटल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कॉल्ड मेटल्स, ठीक है। देखिएगा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर होगा इनका और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर होगा, तो ये मेटल्स होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं बेटा आप, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स है वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सो दे आर मोर मेटेलिक इन नेचर, और इनका जो मेटेलिक नेचर होता है वो हाई होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 78% ऑफ मेटल्स एंड दे आर प्लेस इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिएगा पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीटली 78% मेटल्स एलिमेंट्स का है यहां पर आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है 78% मेटल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, कैरेक्टरिस्टिक को आप यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा इन जनरल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी एचजी होती है आपके लिक्विड फॉर्म में। यहां पर रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी जो है बेटा वो लिक्विड होती है, नॉट सॉलिड स्टेट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाउएवर गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिएगा नॉर्मली अपन जब भी मेटल्स की बात करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट गैलियम और सीजियम जो है आपके लो मेल्टिंग पॉइंट रखती हैं। देखिएगा लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही इनका जो रूम टेम्परेचर पर स्टेट होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि लिक्विड मेटल कौन कौन से हो गए, Hg, गैलियम और सीजियम। एक होता है आपके फ्रेंसियम, फ्रेंसियम, चार तो मेटल हो गए आपके, ठीक है। और एक होता है बेटा Br2, ब्रोमीन, ये भी लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड, बट ये क्या होगा, नॉन मेटल है। ये क्या बेटा, नॉन मेटल, क्लियर। यहां पर गैलियम का और सीजियम का दोनों का लो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी गिवन है, देखिएगा 303 केल्विन एंड 302 केल्विन, क्लियर। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर, और इनका जो नेचर होता है वो मेलिएबल और डक्टाइल होता है बेटा। नेक्स्ट, ट्रेंड्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप एंड पीरियड्स। देखिएगा ग्रुप और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे और
ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप चलेंगे, तो वहां पर क्या क्या इनकी प्रायोरिटी रहती है उसको आप डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये आपके कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, इसमें मेटल्स जो होते हैं वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप शो करती हैं, कि आप कह सकते हैं बेटा मेटेलिक नेचर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। देखिएगा यहां से यहां टॉप टू बॉटम जाएंगे आप तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, ये देखिएगा टॉप टू बॉटम। एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेयर इज इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। इस तरीके से यहां पर देखिएगा पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं आप, तो वहां पर क्या हो रहा है बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। नोट देखिएगा द इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस डाउन ए ग्रुप वेयर इज इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across a period। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इट मीन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रॉज में पीरियड में डिक्रीज होता है। एमसीक्यूज देख लीजिएगा बेटा, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी, रुबिडियम, टिन, कॉपर, तो हो जाएगा मर्क्यूरी। ठीक है, देखिएगा कहा जा रहा है मर्क्यूरी इन स्टेट एट सॉलिड स्टेट इन एट रूम टेम्परेचर। देखिएगा यहां पर मेटल्स जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी जो है एचजी जो है वो लिक्विड होती है, अभी अपन ने डिस्कस किया है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, तो फोर आंसर इसका जाना है। ये देखिएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आपके आता है नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को आप अच्छे से यहां पर डिस्कस कर सकते हैं वन बाय वन करके। तो देखिएगा यहां पर फर्स्ट लेते हैं आप नॉन मेटल्स, द एलिमेंट्स हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ये बेटा तो आप कह सकते हैं यहां पर कि जिसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगा वो नॉन मेटल होगा और जिसका हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू होगा वो मेटल्स होंगे। एग्जाम्पल देखिए बेटा, सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो दे आर मोर नॉन मेटेलिक इन नेचर। सेवंथ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। फिर देखिएगा ऑल नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ओनली एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखिएगा जो भी नॉन मेटल्स होंगे वो राइट हैंड साइड होंगे, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड होता है और फर्स्ट ग्रुप का मेंबर माना जाता है, ऐसे ही सेवंथ ए ग्रुप का मेंबर भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल्स, इन जनरल नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस और लिक्विड्स। लिक्विड में क्या होता है बेटा, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और अदर जो होते हैं वो सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन जो है इनमें बोरॉन और कार्बन हो जाता है, बोरॉन का और कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये क्या रखते हैं बेटा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे बोरॉन और कार्बन। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल, ब्रिटल्स ऐसे बोल सकते हैं आप इसको, ब्रिटल्स एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है बेटा, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक जो सॉलिड होते हैं ब्रिटल नेचर के होते हैं और मेलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी इनमें एब्सेंट होती है। ट्रेंड ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखिएगा ग्रुप में और पीरियड में, तो आप कह सकते हैं ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, तो आप कहेंगे बेटा द नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप,
टॉप टू बॉटम जाते हैं, यहां देखिएगा टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट, वेयर एज ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, हॉरिजॉन्टली आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहां पर इंक्रीज वैल्यू मिलती है, या यू कहें कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर, कह सकते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप वेयर एज इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। और नॉन मेटल और मेटल कैरेक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर ही डिपेंड करता है, जहां जहां इनकी ग्रोथ होगी या यू कहें कि इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी वहां वहां नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने के साथ मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट आता है आपके मेटेलॉइड्स, द एलिमेंट्स कंटेनिंग बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स, और इनको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। मेटेलॉइड्स को और क्या कहा जाता है बेटा? सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ये 5 स्टार आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, आर्सेनिक, SbSc और टेलुरियम नॉन मेटेलिक ये होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिएगा, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ब्रिटल होते हैं, और तीनों कैरेक्टर इनमें प्रेजेंट होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाते हैं। ये देखिएगा, यहां पर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल सॉलिड आर ब्रिटल नेचर। क्लियर बेटा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो ये इंक्रीज होते हैं बेटा, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेयर एज इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ओके बेटा, तो यहां पर देखिएगा, आपने देखा है स्लाइड्स में कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। यहां पर कंप्लीटली आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा, तो यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलॉइड्स को आपने डिस्कस किया है। देखिएगा, मेटेलॉइड्स जो होते हैं बेटा आपके, यहां पर सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम है, ठीक है बेटा। यहां पर 6